नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट के बारे में। जो लेटेंट हीट होती है वो क्या होती है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो लेटेंट हीट क्या होती है, उसके जो ये दो टाइप हैं ये क्या होते हैं, इनको हम समझेंगे। तो लेटेंट हीट क्या होती है, एक ऐसी हीट जो कि स्टेट ऑफ सब्सटेंस को चेंज कर दे लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज ना करे, तो उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। देखिए इसका हम एक एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जब भी आपका कोई वाटर है, मान लीजिए कंटेनर में के अंदर वाटर है, तो ये है वाटर है, इसके अंदर ये क्या है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखिए जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें पता है वो बॉयल होता है, तो हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होता है, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे ही जब इसके वेपर बनते हैं तो इसके अंदर क्या आती है, इसके अंदर लेटेंट हीट ऐड हो जाती है। तो ये होती है हमारी लेटेंट हीट, जिसने क्या किया, जो वाटर है बॉयल कर रहा है 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, लेकिन जब वो वेपर में कन्वर्ट हुआ तो इसने इसकी स्टेट को चेंज कर दिया लेकिन टेम्परेचर को चेंज नहीं किया। या दूसरे तरीके से हम ये कहें कि जो इसकी क्वांटिटी है हम माप नहीं सकते, ये एकदम, या कहें कि एकदम से जो वाटर है वेपर में चेंज हो जाता है, तो वो कौन सी हीट लेके चेंज होता है, वो लेता है लेटेंट हीट, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का उसका फेस चेंज हो जाए, यानी कि स्टेट चेंज हो जाए लेकिन जो टेम्परेचर है वो चेंज ना हो। तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंज हो जाएगी विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर, तो कौन सी हीट लेता है, वो लेटेंट हीट। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मान लीजिए आपके पास आइस है और आइस को आप वाटर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो आइस है वो क्या होती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। आइस को आप रखते हैं तो वो वाटर के अंदर कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सॉलिड से ये लिक्विड में चेंज हो रही है लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, यानी कि अगर इसका टेम्परेचर चेंज ना हो और आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गई, तो ये भी क्या है, स्टेट चेंज है सब्सटेंस की और टेम्परेचर सेम है, टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसी तरह से लिक्विड से वेपर में चेंज हुआ लेकिन इसका जो स्टेट चेंज हो गई लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, उसको हम लेटेंट हीट बोलते हैं। तो इसको हम डिनोट करते हैं HFG से, डिनोट करते हैं, तो HFG यानी कि जो होती है लेटेंट हीट, तो इसको हम इससे डिनोट करते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न की बात करें, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न है, ये तो थी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, देखिए जिस तरह से ये था, अगर हमारा जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ये क्या होती है लेटेंट ऑफ हीट ऑफ फ्यूज़न, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, हमें क्या करना है, एक हमारे पास सब्सटेंस है, अगर हम उसको सॉलिड से लिक्विड में चेंज करते हैं, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया कि सॉलिड से लिक्विड स्टेट में वो जा रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। जो ये एग्जांपल है ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न का एग्जाम्पल है, विदाउट चेंज इट्स टेम्परेचर जो स्टेट है सॉलिड की वो लिक्विड में चेंज हो रही है, यानी कि आइस जो है वाटर में वो कन्वर्ट हो रहा है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न उसको बोलेंगे। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, अगर हमारा जो लिक्विड है, जो हमने ये एग्जांपल लिया था, जो लिक्विड है वो हमारा कन्वर्ट हो वेपर्स के अंदर, यहाँ पे क्या था, लिक्विड था यानी कि वाटर था और वेपर में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम बोलते हैं, देखिए वेपर बने हैं तो वेपोराइजेशन बोल दिया, यहाँ पे वाटर में फ्यूज हुई थी ये, तो इसको फ्यूजन बोल दिया। तो ये जो हीट लेती है, जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है किसी भी मास के सब्सटेंस को फ्रॉम लिक्विड टू जो हमारा वेपर स्टेट में जाने के लिए विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो ये थे हमारी लेटेंट हीट, उस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसे कहते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।